नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सिविल इंजीनियर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि इंडियन आर्मी में सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है। सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आप देख सकते हैं यह जॉब इंडियन आर्मी की तरफ से अनाउंस की जा रही है और यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस सभी के लिए जॉब है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में बीई या फिर बीटेक होनी चाहिए, यानी कि यदि आपकी क्वालिफिकेशन बीई है तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, बीटेक है तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए एज मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 27 ईयर। एज काउंट डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 तक आपकी एज 20 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ साथ फिजिकल टेस्ट भी होगा। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपकी हाइट 57.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ रनिंग भी है, आपको 15 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पुशअप्स होगा, 13 पुशअप्स आपको एक मिनट में करने होंगे। और इसके साथ साथ देख सकते हैं कि फिजिकल में आपका पुशअप्स, सेटअप्स, चैनअप्स काफ़ी कुछ है, आप देख सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 26/8/2020। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए टोटल 8 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 5 पोस्ट हैं, मैकेनिकल के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 11 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं कि आप इस जॉब को कैसे अप्लाई करोगे। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आप एक बार फुल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।